हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? तो आज का हमारा व्लॉग रहेगा डांस क्लास पे। आज पूरे दिन हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अभी मैं घर पे हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हो, तो आज हम डांस क्लास पे जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ, बैग ले लेता हूँ। ओके गाइस, फ्रेंड्स अभी डांस क्लास जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। तो जाने से पहले अपनी मम्मी से मिल के जाता हूँ। हमारी मम्मी, हाय मम्मी। तो अभी और जाने से पहले मैं हमेशा अपनी मम्मी के पैर छू के जाता हूँ। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास एक है मेरी मम्मी। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम डांस क्लास पे, देख सकते हो डी4 डांस एकेडमी। और अभी गुनू भाई चाय वाला की स्माइल देखते हैं। गुनू भाई की स्माइल देख के पूरा दिन अच्छा जाता है। चलो देखते हैं। जाने आपका जो स्टाइल है मैं देख रहा हूँ ना, मुझे डर लग रहा है आपसे। कैसा लग रहा है आप? सही से बुरे विलन लग रहे हैं, बुरे विलन। हीरो विलन नहीं। क्लास पे मिलते हैं अंदर। गाइस यहाँ पे अंदर मैं प्रैक्टिस करवा रहा है, देखते हैं अंदर जाके। हाय मैम। तो यहाँ पे मैम कुछ कर रहे नहीं, सो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अच्छा। देख सकते हो प्रैक्टिस स्टार्ट है यहाँ पे। जाते हैं दूसरे क्लास पे, फ्लोर पे हमारे। तो यहाँ पे विशाखा क्या कर रहे हो? हाँ खाना खा के है ना। अच्छा फिर ठीक है। मैं कहा हाय प्रेम। हाय सर। यूएन हाय। और बालो सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे गाइस बोले तो लाइक सब लाइक लाइक कमेंट सब कुछ करना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अरे वाह, थैंक यू प्रेम। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भाई। हाँ देखो यूएन क्या है तेरे चैनल का नाम? यूएन डांसर। अरे तो यहाँ पे निशा मैम, हाय हाय, क्या कर रहे हो? अभी प्रैक्टिस चल रही है। और आप? खाना खाना खा लिया सब? अच्छा फिर ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम में सब लाइक करना, मुझे भी करना। क्या नाम है आपकी आईडी का नाम? प्रेम जे जोड़क क्या। अरे वाह। अरे मेरे इंस्टाग्राम में चैनल है यूएन 13, फॉलो कीजिए। ओके तो अभी मिलते हैं बाद में। क्योंकि उन्होंने कुएं में से बाहर निकल के देखा तो नदी में गई, अब नदी से समंदर में गई, अभी वो समंदर तक पहुंच चुकी यानी नेशनल राइट, नदी यानी स्टेट राइट, कुआं यानी आपका जिला। बट आप जैसे जैसे बाहर जाओगे ऐसे ऐसे आपको विस्तार यानी ओवर मिलेगा बहुत सारे। फिर उसके बाद मेरे से भी ज्यादा अच्छे लोग, तो मुझे भी सीखने की जरूरत है यार। तो टीचर के प्रति या कोच के प्रति आपकी भावना जो रहेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी कि साला कोई तो रहेगा, मुझे सीखने की जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे टोकेगा कौन, वरना मुझे दौड़ाएगा कौन, वरना मुझे क्रिटिसाइज कौन करेगा। तो कॉम्पिटिशन इसलिए 20 साल की करियर में ऐसा नहीं है कि कभी भी आप जब भी कहीं पर भी कॉम्पिटिशन का माहौल जब बनता है तो बंदा जो रहता है वो धुलता है, उसके अंदर जो आ गया एम कि आई एम द बेस्ट। अब ऐसे बंदों को कॉम्पिटिशन में डालो राइट, अगर तेरे लेके जाएगा तो पहले तो उसको क्या मिलेगी, ठोकर मिलेगी, तो उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। वर्ड मैंने यूज किया थोड़ा सा हार्ड है, बट उसको एक्चुअली ये पता चल जाएगा कि नहीं हमें अपना माहौल नहीं है अपन खाता में। जैसे स्पेशली सुल्तान मूवी आपने देखा होगा, सुल्तान में होता क्या है, क्योंकि वो छोड़ देता है जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में होता है, हालांकि वो चैंपियन था, बट अगर वापस उसको गेम शुरू करनी पड़ती है तो उनको एक कोच चाहिए, और वो कोच इतना रूड होता है राइट, स्पेशली
लड़ना किसको है? सुल्तान को। और सुल्तान को अभी अप्रूव करना है कि मैं अभी भी मार्केट में हूं। तो ऐसी मूवी का एग्जाम्पल भी मैंने क्यों दिया? एज नोवा, क्योंकि एज बहुत ज्यादा होती है बट फिर भी वो प्रूव करता है और वो अपने इंडिया का सबसे बड़ा सबसे वो सुल्तान की स्टोरी रियल स्टोरी है। वो रेसलर बने, इंडियन फर्स्ट ऐसा बंदा था वो। तो फ्रेंड्स अभी 4 बजने वाले हैं, वापस मैं जा रहा हूँ डांस क्लास पे, तो मिलते हैं वहाँ पे। चा कबे गाइस। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए डांस क्लास पे, 4 बज गए, बैच स्टार्ट हो गए, अंदर जाके देखते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे क्या चल रहा? बैंड स्टार्ट हो गए। खत्म कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे किशन। हाय किशन। हाय। क्या कर रहे हो? पूड़ी बना रहा हूँ, बनाने आपको तो आ जाओ, हेल्प कर दो थोड़ी सी। नहीं नहीं। और यहाँ पे सन्नी भाई, यो और सर, हाय। तो यहाँ पे न्यू फैन लग गया है, देख सकते हो दो दो है, एक यहाँ पर भी है लेकिन बने। चलिए सर, मच्छर मार रहा है। हाय गाइस, लाइक करो, फॉलो करो। या यू।